हेलो माय डियर आरके सिंपल क्लासेस में आपको वेलकम। टुडे फॉर द सेशन 2024 एंड 2025 के वास्ते क्लास 12th के बच्चों की इंग्लिश जो एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इज आज का जो लेसन है दैट इज अ पोएम नेम इज कीपिंग क्वाइट। शांत हो जाइए भाई, शांत रहना। एंड पोएट नेम या राइटर नेम इज पाब्लो नेरुदा। क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से है। इन दिस लेसन फर्स्ट ऑफ ऑल ए शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देते हैं जो हमारे पोएट है उसके बारे में। एक देश है चिली, आप पाएंगे यू विल फाइंड चिली इन साउथ अमेरिका में। एक देश है चिली, ये चिलियन पोएट हैं, वहीं के पोएट हैं चिली के, और वहाँ के नेशनल पोएट माने जाते हैं। एंड इनके वर्क्स जो हैं नेशनल पोएट ऑफ चिली, ही इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस पोएट्स हैं ये पाब्लो नेरुदा। और ही वॉज ए चिलियन पोएट डिप्लोमैट एंड पॉलिटिशियन हु वन द 1971 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। 1971 में नोबेल प्राइज जो लिटरेचर का विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है वो इन्होंने जीता था फॉर लिटरेचर, अपने लिखने के लिए, अपने लिटरेरी वर्क्स के लिए। इतने ग्रेट पोएट हैं कि आप एक नोबेल लॉरिएट को पढ़ने जा रहे हैं जो कि नोबेल प्राइज रेसिपिएंट हैं, उनको आप पढ़ने जा रहे हैं। सच ए ग्रेट पोएट इज पाब्लो नेरुदा। लेट अस स्टार्ट टुडेज पोएम। आज का टाइटल ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीपिंग क्वाइट। दिस इज एन एंटी वॉर पोएम। एंटी वॉर का मतलब वार। आप तो आप देख रहे हो वर्ड में वार ही वार हो रहे हैं, तो वार माने युद्ध होता है, बैटल। युद्ध में दुनिया कैसे, और इसमें अमूमन एक कॉमन मैन ही डिस्टर्ब होता है, उसी के बारे में ये पोएम है। इसी के बारे में पोएट यहाँ पर बताएगा कि आप कैसे कीपिंग क्वाइट रह करके, साइलेंट रह करके, अपने आप को साइलेंस बना करके आप वर्ड में पीस ला सकते हैं, आप वर्ड को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इस अपने लवली प्लैनेट अर्थ को आप इसको जीने योग्य बना सकते हैं। यू कैन लिव हियर और आप यहाँ पर बहुत कुछ कर सकते हैं। यू कैन डू ए लॉट हियर ऑन दिस अर्थ। लेकिन हम लोग तो वार में पड़े हैं, तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स देखते हैं ताकि आपका इसमें जो वर्ड्स आए हैं एनहांस करें आपकी वोकैबुलरी को। तो कुछ वर्ड्स हैं सम जो मैंने आपको राइट कर दिया है, जैसे है कीप स्टिल। कीप स्टिल का मतलब होता है कीप साइलेंट या शांत रहना। हम लोग बोलते हैं ये क्वाइट प्लीज, तो शांत रहने को एक्जॉटिक होता है, अट्रैक्टिव, सुंदर, अनोखा। एंड रस माने होता है इन हरी, जल्दबाजी में, हेस्ट, ठीक है। हार्म माने होता है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना, किल करना, ठीक है। एंड गैदरिंग माने होता है कलेक्टिंग करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, गैदरिंग, कलेक्टिंग। एंड हर्ट माने वुंड होता है, इंजर्ड होता है, घायल। प्रिपेयर माने होता है मेक रेडी, तैयारी करना। एंड लेटर माने होता है आफ्टर वर्ड्स, बाद में। अलाइव माने नॉट डेड, जो मरा ना हो, यानी जीवित, जिंदा। नाउ माने होता है एट दिस मोमेंट, अभी, तुरंत, इसी वक्त, नाउ। सडन माने एडवांस होता है, इसका भी अचानक सा, सडनली, तुरंत। विक्ट्री माने ट्रायम्फ होता है, जीत। एंड ट्रक विद मीनिंग होता है एसोसिएट विद, लेन देन या कुछ भी। एंड इंटरप्ट माने होता है हिंडर, किसी चीज को हिंडर करना, रोकना, बाधा डालना। एंड थ्रेटनिंग माने होता है एक तरह से धमकी देना, कॉजिंग थ्रेट, ठीक है, जैसे वार्निंग भी इसमें आ सकता है। कन्फ्यूज्ड, मिसअंडरस्टूड, गलत समझना या भ्रमित हो जाना। ये आपके कुछ इसमें वोकैब्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन आप इसको लिसन करिएगा, अपने
मेक योर फ्रेम योर ओन सेंटेंस, मेक योर ओन सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस वर्ड्स एंड दिस वर्ड्स विल बी योर्स। अगर आप इनकी सहायता से कोई भी वर्ड आप बनाते हो, कोई भी नहीं बना पाते हो, अगर आप इनको अपने सेंटेंसेस हिंदी के सेंटेंसेस में प्लेस देते हो, सिर्फ स्थान दे दो, ये आपके हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगी। यस, तो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम टुडे एंड व्हाट द पोएम सेज हियर। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for one second and not move our arms so much. First stanza में यही कह रहा poet कि मैं 12 तक गिनूंगा। I am going to count. Count माने गिनना, recite करना, recite number। मैं 12 तक गिनूंगा और उसके बाद हम सब शांत हो जाएंगे। We will be quiet. We will be silent. पोएट के कहने का मतलब है तो संख्या का एक बहाना है। दरअसल कहना चाह रहा है कि थोड़े समय के लिए हमें आपको साइलेंट होना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, ठीक है, ताकि हम समझ सके अपने आप को। वी कैन अंडरस्टैंड आवर सेल्व्स, वी कैन अंडरस्टैंड दिस अर्थ, वी कैन अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। For once on the face of the earth, let us not, हम किसी भी लैंग्वेज में बोलेंगे नहीं, not in any language, no one will speak, no one will express. Let us stop for one second and not move. एक पल के लिए, एक सेकेंड के लिए जरा आप रुक जाइए, स्टॉप कर जाइए, क्वाइट हो जाइए, साइलेंट हो जाइए और फिर देखिए what happens. सेकेंड में कह रहा है इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट ट्रस्ट विदाउट एंजिन्स वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो कह रहा है दुनिया का सबसे एक्सोटिक मूवमेंट हो रहा है। एक्सोटिक मूवमेंट मैंने कहा था ना, दुनिया का सबसे अनोखा पल होगा, एक मोस्ट अट्रैक्टिव मूवमेंट ऑफ द वर्ल्ड होगा और हम सब लोग विदाउट रस, माने कोई भी रस नहीं होगा, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई उसमें हड़बड़ी गड़बड़ी कुछ भी नहीं होगा। एवरीवन विल बी साइलेंट, वी वुड बी ऑल टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजर, और एकदम अचानक से हम लोग क्या हो जाएंगे, एक अनोखा विलक्षण सडन स्ट्रेंजनेस, माने एकदम अनोखा हो जाएंगे। स्ट्रेंजनेस मतलब होता सरप्राइजिंग अनयूजुअल, एक ऐसी विचित्रता हो जाएगी कि कोई नहीं बोल रहा है, एंड द वर्ड एक अलग तरह की स्ट्रेंजनेस इस वर्ड में आ जाएगी। यहां पर पोएट ये कह रहा है, उसके बाद कह रहा है थर्ड स्ट्रेंजर, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स। फिशरमैन जो कि सी में है, ओशन में है, जो हर्ट कर रहे हैं, जो कि हु आर कैचिंग द फिश, हु आर किलिंग द फिश फॉर देयर लाइवलीहुड, वो सब भी एकदम रुक जाएंगे। और जो वहाँ पर गैदरर लेबरर्स हैं, लेबरर्स लोग हैं, जो वर्कमैन हैं, वर्कर्स हैं, हु आर कलेक्टिंग द साल्ट, जिनके हैंड्स एकदम वुंड हो गए हैं, एकदम वुंडेड हैं, इंजर्ड हैं, वो अपने हाथों को देख सकेंगे। कहने का मतलब है सब कुछ शांत हो जाएगा, एवरी एक्टिविटी विल स्टॉप और हर किसी को टाइम होगा कि थोड़े समय के लिए अपने आप को सेल्फ एग्जामिन कर सके, इंट्रोस्पेक्ट कर सके कि ये दुनिया क्या है, हमें आपको हम लोग क्या है, वी आर सो बिजी इन डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, वेरियस टाइप्स ऑफ वर्क, और इसमें हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं कि हम वार तक कर लेते हैं, बैटल में बिजी हो जाते हैं, वार स्टार्ट कर देते हैं। कहीं ना कहीं पोएट स्टॉप द वार का एक स्लोगन देना चाहता है यहाँ पर, स्टॉप द वार, एंड द वार, फिनिश द वार, और इसके लिए जरूरी है कीपिंग क्वाइट, साइलेंट हो जाइए, कीप क्वाइट रहिए, और उसके बाद आप देखिए यू कैन डू इट, द वर्ल्ड कैन डू इट।
और उसके बाद पोएट कह रहा है कि यहां पर व्हाट द पोएट सेज हियर, आई वॉन्ट हियर द पोएट इज सेइंग दोस हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। जो ग्रीन वार्स क्या है, जो तैयारी कर रहे हैं, कितने लीडर्स हैं आज देखिए वर्ल्ड में, कितने सारे लोग हैं, दे आर ऑलवेज बिजी फॉर द वार, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द वार। तो कह रहा है ग्रीन वार्स मैंने प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। भाई आज तो पूरा अभियान ही चल रहा है, और हमारे देश में तो बहुत बड़ा अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, प्रकृति को बचाने के लिए ग्रीन वार्स। ग्रीन वार्स क्या है, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर एनवायरमेंट, आवर लवली प्लैनेट अर्थ। हम अपनी इस लवली, सबसे प्यारी अपने इस ग्रह को बर्बाद कर रहे हैं। हाउ, बाय डिस्ट्रक्टिंग, बाय डिस्ट्रॉइंग, बाय रूइनिंग, स्पॉइलिंग द नेचर एंड एनवायरमेंट। कोई हम जरा से भी केयर नहीं कर रहे हैं। ये ग्रीन वार्स कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, गैस माने होता है जैसे वो केमिकल बॉम्ब्स फॉर वार्स, युद्ध के लिए बने रासायनिक बम, आप जानते हैं एटम बम, तमाम तरह के बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, सो मेनी बॉम्ब्स आर रेडी फॉर द वार टुडे इन मॉडर्न वर्ल्ड। एंड वार्स विद फायर, यूज ऑफ फायर वार, फायर वार, फायर आर्म्स इन द वार, हम जानते हैं हमारे पास सो मेनी कैनन्स हैं, बुलेट्स हैं, एंड राइफल्स हैं, सो मेनी गन्स हैं टू डिस्ट्रॉय आवर ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पर तीन प्रकार के वार की बात कर रहे हैं हमारे पाब्लो नेरुदा जी, ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। कह रहा है ये कैसी विक्ट्री होगी कि इसमें कोई बचेगा ही नहीं, कोई जश्न मनाने के लिए विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। अरे भाई जो कोई बचेगा ही नहीं, ऐसे वार्स होंगे अब आप जान रहे हैं कि एटमिक वार जब छिड़ेगा, हाइड्रोजन वार होगा, केमिकल वार होगा, बायोलॉजिकल वार होंगे, ये सब वार जब होंगे, और सबसे बड़ा वार तो ग्रीन वार्स है जो एक प्रकार का एनवायरमेंटल वार चल रहा है। वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग, रूइनिंग आवर ओन प्लांट्स, ट्रीज एंड आवर अर्थ। बताइए हम लोग कहाँ से ऑक्सीजन पाएंगे, हम लोग कैसे जीवित रहेंगे, वी नेवर थिंक अबाउट इट, वी नेवर केयर अबाउट इट, एंड दैट्स वाई वी आर ऑलवेज। तो कह रहा है नो सर्वाइवर्स, कुछ नहीं बचेगा, सब फिनिश, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड बाय मॉडर्न वार्स, चाहे ग्रीन वार्स हो, चाहे वार्स विद गैस हो, चाहे वार्स विद फायर हो, ये सब डिस्ट्रॉय कर देगा, होल वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, व्हाट वी आर डूइंग टुडे। विकास के नाम पर हम जो विनाश कर रहे हैं ना, इसका रिजल्ट वार, मैंने यहां पर उसने बताया कि क्या बता रहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कोई नहीं बचेगा देखने वाला कि कितनी बड़ी जीत किसने हासिल कर लिया है। अभी जब मैं इस पोएम को पढ़ा रहा हूं तो आप देखिए वर्ल्ड में कितने सारे वार चल रहे हैं, इजराइल का गाजा से, और ये रूस का यूक्रेन से, और साउथ अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका कह रहे हैं मैंने साउथ कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट में भी वार्स दो तीन कंट्रीज में चल रहे हैं। मतलब इस तरह से हम देख रहे हैं कितने सारे वार्स इस समय चल रहे हैं, थर्ड वार तक की लोग, थर्ड वर्ल्ड वार तक की लोग एक वार्निंग दे रहे हैं, थ्रेटनिंग दे रहे हैं कि हो मे बी थर्ड वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हो चुका है, यहाँ तक कि लोग थर्ड वर्ल्ड वार की भी बात कह देते हैं। ये वार 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 क्या करेंगे, नो सर्वाइवर, कोई नहीं बचेगा, एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड। राइटर यहाँ कह रहा है, पोएट यहाँ कह रहा है, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। कह रहा थोड़ी देर के लिए कीपिंग क्वाइट हो जाइए, थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाइए भाई, और व्हाट विल यू डू, थोड़ी देर के लिए आप साइलेंट हो जाइए, प्रॉमिस कि आप जरा अपने भाइयों के साथ छाया में कुछ मत करिए, डूइंग नथिंग, बस घूमिए थोड़ा सा, तो कुछ कदम चलिए उनके साथ, यू विल फाइंड क्या एहसास होता है। कह रहे हैं ना, वॉक अबाउट विद डियर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग,
नए नए क्लीन साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके, ये साफ स्वच्छ वस्त्र नहीं कपड़े के नहीं, एक्चुअली कह रहा है कि अपने अंदर के सारी बुराइयों को समाप्त करके, किल ऑल द इविल्स इन योर माइंड दैट आर इंसाइटिंग, दैट आर रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल फॉर द वार्स दैट आर गोइंग ऑन इन आवर वर्ल्ड प्रेजेंट डे, प्रेजेंट टाइम में जो वार चल रहे हैं, क्लीन क्लोथ से, एकदम क्लीन माइंड से मिलिए, लोगों को एकदम फ्रेश माइंड से मिलिए, एकदम फ्री होकर के मिलिए। व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कीपिंग क्वाइट का मतलब कुछ मत करो, एकदम निष्क्रिय हो जाओ। नो 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 नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। आप इससे आप कंफ्यूज्ड मत, आई एम नॉट कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। लाइफ तो वो है जो है, लाइफ तो है, हमें इसकी मौत से कुछ लेना देना नहीं। ट्रक विद माने होता है एसोसिएट विद, इसकी मृत्यु से, यानी कि मृत्यु से कुछ नहीं लेना देना। लाइफ में जो है, लाइफ में जो हैपनिंग हो रही होगी, जो होना है होगा, हमें इससे नहीं लेना देना। वी हैव टू कीप क्वाइट, वी हैव टू मेक आवर दिस अर्थ ब्यूटिफुल एंड वेरी अट्रैक्टिव। ये पोएट यहाँ कह रहा है, और ये इनएक्टिविटी से नहीं आ रहा है, बल्कि ये मोर एक्टिविटी की बात कर रहा है, और भी ज्यादा एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जो इस वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाए, जो इस वर्ल्ड को रहने योग्य बनाए, हियर वेयर वी कैन लिव टुगेदर। इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड ऑफ फाइटिंग आवरसेल्फ विद डेथ। कह रहा है अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, What will happen? कह रहा है कि अगर हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं हो पाते हैं, for once could do nothing, perhaps is the huge silence हो जाएगा, might interrupt this sadness, तो शायद एक huge silence, मैंने कहने का मतलब अगर हम आज नहीं चेते, आज हम लोग केयर नहीं किए, आज हम लोग होश में नहीं आए, तो कल तो जब वर्ल्ड डिस्ट्रॉय ही हो जाएगा। यस माय डियर, तो यहाँ पर कहने का मतलब है, राइटर ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर हमने आज अपने आप को साइलेंट नहीं किया, तो शायद हम अपने आप को कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और अगर हम अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो हम इस वर्ड को कभी बचा भी नहीं पाएंगे, और स्वयं को भी नहीं बचा पाएंगे। लास्ट में देखिए, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. फिर राइटर कह रहा है शायद जो बात हम नहीं समझ पा रहे हैं, ये अर्थ हमको समझा देगी, क्योंकि अर्थ में देखिए कभी कभार लगता है कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर देखिए सब कुछ उग जाता है। आप देखते हैं ना, पानी मिलते ही सब कुछ उग जाता है, seems dead, लेकिन बाद में सब alive हो जाते हैं। अब मैं 12 तक गिनूंगा, मैं जाता हूं, और आप कीप क्वाइट रहिएगा। कहने का मतलब है कि जो मैंने मैसेज दिया है, कीप क्वाइट होकर के अपने आप को अंडरस्टैंड योर सेल्फ, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, अंडरस्टैंड द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, सो दैट वी कैन मेक आवर दिस अर्थ ब्यूटीफुल एंड फ्री फ्रॉम द वॉर। इसको हम कह सकते हैं दिस इज एन एंटी वॉर पोएम। इसका बिग मैसेज क्या है? बिग मैसेज इसमें दो है। फर्स्ट इज स्पीच इज साइलेंस, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन। स्पीच इज सिल्वर माने बोलना तो सिल्वर है, चांदी के समान होता है, लेकिन साइलेंस मौन रहना सोने के समान है। वार इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। वार किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। ये विद दिस टू बिग मैसेजेस, और भी मैसेजेस हैं, सबसे बड़ा मैसेज है स्टॉप द वार, एंड द वार टू सेव द ह्यूमैनिटी, दिस आवर लवली अर्थ, दिस आवर लवली एनवायरमेंट, एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ। अगर हम चाहते हैं कि बचा रहे और हम उसे लव करते रहें, तो हमारे लिए जरूरी है एंड द वॉर, एंड द वॉर एट एनी कास्ट, स्टॉप द वॉर एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर, बाय हुक और बाय क्रूक, किसी भी तरह से हमें आपको स्टॉप करना पड़ेगा, वार को एंड करना पड़ेगा। ओनली देन वी कैन मेक आवर दिस अर्थ अ प्लेस
where we can dwell, where we can reside, where we can fulfill our desires, and where our brothers, sisters, and all our human beings can live here peacefully and beautifully. That's why यहीं पर ये लेसन बिग मैसेज के साथ एंड करती है. और मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के मॉडर्न टाइम में कि इस पोएम की और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बढ़ी हुई है. इसको रीड करिए, एक बार नहीं 100 times करिए, और इसके वर्ड को ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द पोएट इज एक्चुअली वांट्स टू से, व्हाट द पोएट रियली वांट्स टू से. इसके वर्ड्स पर मत जाइए, इसकी मीनिंग को कैच करिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, उसको एक्सप्लेन करिए. और मैंने भी ट्राई किया है कि आपको इस पोएम के वर्ड्स पर नहीं, इसके व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस पोएम एंड हाउ द पोएट इज सेइंग इट, कैसे आपको ये नैरेट कर रहा है कि वार इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम एंड ओनली साइलेंस, बाय कीपिंग साइलेंट we can solve a lot of problems of our life of this world. इस संसार की, इस वर्ल्ड की, अपने स्वयं की लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हम कीपिंग क्वाइट रहना सीख लें, अगर हम मौन रहना सीख लें, अगर हम चुप रहना सीख लें. क्योंकि वार होता है ना, जब आर्ग्यू होता है लोग, आप देखते हैं वार क्यों होता है, बात बात में वार हो जाता है ना. तो उस वार से हम कर सकते हैं, स्पीच इज साइलेंट सिल्वर, स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन. और दिस वे आप भी यही अडॉप्ट करिए और ऐसे मेहनत करिए कि जब आपको सफलता मिले तो शोर मच जाए, लेकिन जब तक ना मिले साइलेंटली वर्क करते रहिए, साइलेंटली वर्क हार्ड करते रहिए. क्योंकि जिस दिन आपको बिग सक्सेस मिलेगी ना, पूरा वर्ल्ड आपको जान जाएगा एंड यू विल बी फेमस. अंडरस्टैंड? इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर एंड करता हूं एंड आई होप कि आप इसको एंजॉय करेंगे और आप अपने जीवन में साइलेंटली वर्क करेंगे और जब आप सक्सेस पाएंगे तो आप तो फिर फेमस हो ही जाएंगे. अंडरस्टैंड? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को. तो इसको खूब अच्छे से पढ़िए. माय बेस्ट विशेज आर कि यू विल गेट गुड मार्क्स, और ना केवल गुड मार्क्स बल्कि आप अपने लाइफ में भी ऑलवेज ट्राई टू बी गुड, कीप स्माइलिंग, कीप रीडिंग एंड कीप प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.